Hello students, how are you? Hope all of you are well. This is SVGMS science classes for class 6, and today we are going to complete our exercise question of chapter number 2 of your science textbook components of food. ये हमारा part number 3 है. इससे पहले दो parts में हमने chapter को full study किया है. यदि आपने उसको नहीं देखा है, chapter को नहीं समझा है, तो पहले आप chapter को जरूर समझ लें, तो आपको question बहुत अच्छे से समझ में आएंगे. तो चलिए शुरू करते हैं exercise question में. आपका पहला question है, name the major nutrients in our food. न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है पोषक तत्व. तो आपके फूड में जो भी पोषक तत्व पाए जाते हैं, वह मुख्य पोषक तत्वों के आपको यहाँ पर नाम लिखने हैं. मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन्स, मिनरल्स एंड डाइटरी फाइबर्स. यहाँ पर एक नया शब्द मैंने लिखा है लिपिड, और ये फैट की जगह लिखा है. फैट जो होते हैं वे लिपिड से मिलकर बनते हैं, इसलिए आप फैट की जगह लिपिड्स भी लिख सकते हैं. तो आपके न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं फूड के अंदर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन्स, मिनरल्स और डाइट्री फाइबर्स, ये सब न्यूट्रिएंट्स में आपके आते हैं, और आप इनको अच्छे से लिख सकते हैं और लर्न कर सकते हैं. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2, नेम द फॉलोइंग. यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनके नाम आपको बताने हैं. द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी. वह न्यूट्रिएंट, वह पोषक तत्व जो हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, मुख्य रूप से ऊर्जा प्रोवाइड करता है, तो वह कौन है? सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन प्रभावित आपको प्रोवाइड करता है? दैट इज कार्बोहाइड्रेट. तो इसके आंसर में आप लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट. वैसे ऊर्जा आपके फैट भी देते हैं, फैट भी ऊर्जा देते हैं और कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा देते हैं. लेकिन यदि बात करें कि तुरंत कौन देगा, जल्दी से कौन देगा, रेडीली अवेलेबल कौन होगा एनर्जी देने के लिए, तो वह कार्बोहाइड्रेट होते हैं. ग्लूकोज हम पीते हैं ताकि शरीर को तुरंत ऊर्जा मिल सके. फैट जो होते हैं, जब बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट नहीं होते हैं, इनकी कमी हो जाती है, तब वे आपके काम आते हैं. ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें, द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी. वह पोषक तत्व जो आपकी बॉडी की वृद्धि के लिए और मेंटेनेंस के लिए, रख रखाव के लिए, मीन्स यदि आपकी बॉडी में कोई टूट फूट हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए और शरीर की वृद्धि करने के लिए कौन सी न्यूट्रिएंट्स आवश्यक हैं, तो इसमें आपके आंसर आ जाएगा बी, प्रोटीन एंड मिनरल्स. प्रोटीन जो होते हैं वे शरीर बनाते हैं, शरीर की वृद्धि करते हैं, ग्रोथ करते हैं. ठीक है, तो प्रोटीन्स और मिनरल्स यहाँ पर आंसर आ जाएगा. देन सी, अ विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट. आई साइट मतलब दृष्टि. आपकी जो आँखें होती हैं, आपकी अच्छी दृष्टि हो, आपको अच्छे से दिखाई दे, ये कौन एंश्योर करता है, कौन सा विटामिन इसके लिए आवश्यक है? तो इसके लिए आपको विटामिन ए की ज़रूरत पड़ती है. विटामिन ए आपको आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है. गाजर में ये बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है, पपीता में ये मिलता है, तो आपको विटामिन ए लेना चाहिए ताकि आपकी आँखें जो हैं, स्टूडेंट्स के लिए आँखों का सही होना बहुत ज़रूरी होता है. बहुत से बच्चों में थोड़ी देर पढ़ते ही उनमें आँखों में दर्द होने लगता है, सिर दर्द होता है, तो उसके लिए उनको डॉक्टर को दिखाना चाहिए या विटामिन ए रिच फूड न्यूट्रिएंट्स उनको ग्रहण करना चाहिए. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3, अ मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्थी. एक वो मिनरल जो क्या करता है, आपकी बोन्स को हेल्दी रखता है, स्वस्थ रखता है. हड्डियों के लिए आवश्यक मिनरल कौन है? तो ये आपके होता है कैल्शियम. ठीक है, विटामिन की बात करेंगे तो विटामिन डी आवश्यक होता है बोन्स के लिए, लेकिन यहाँ मिनरल पूछा है, खनिज तत्व, तो ये होता है कैल्शियम. आपने सुना होगा कि दूध पीना चाहिए डेली. बच्चों के लिए दूध बहुत आवश्यकता होती है दूध की, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, उनका शरीर बहुत तेज़ी से वृद्धि करता है और नई नई उनके शरीर में हड्डियाँ ग्रोथ करती हैं, तो कैल्शियम का होना उनके लिए बहुत ज़रूरी है. कैल्शियम आपकी हड्डियों को मजबूत करता है. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3, नेम टू फूड्स ईच रिच इन. आपको यहाँ पर दो दो फूड आइटम के नाम बताने हैं जिसके अंदर फैट की मात्रा ज़्यादा हो, जिनके अंदर स्टार्च की मात्रा ज़्यादा हो, जिनके अंदर डाइट्री फाइबर्स की मात्रा ज़्यादा हो और जिनके अंदर प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो. तो ऐसे फूड आइटम के नाम आपको बताने हैं. तो फैट आपको किस में मिलेंगे, तो आप यहाँ पे आंसर देख सकते हैं आराम से. फैट आपको क्रीम में और बटर में, जो क्रीम होती है,
ठीक है, आप दूध से क्रीम निकालते हैं, क्रीम बनाते हैं, जिसे मलाई भी कहते हैं आप, तो क्रीम में और बटर में, मक्खन में आपके फैट बहुत ज़्यादा होती है, इसके अलावा घी होता है आपके, और जितने भी ऑयल्स होते हैं उन सब में फैट पाया जाता है। देन स्टार्च, स्टार्च किस में पाया जाएगा, तो हमने चैप्टर में बहुत पढ़ा है स्टार्च रिच फूड कौन होता है, आपके राइस होता है, वीट होते हैं, जितने भी आपके अनाज होते हैं उनमें स्टार्च होता है या कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। स्टार्च की जगह कार्बोहाइड्रेट लिखते तो भी आंसर यही होता, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट भी क्या है, सॉरी स्टार्च क्या है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट कई तरह के होते हैं। देन सी डाइट्री फाइबर्स, डाइट्री फाइबर्स में कौन आएगा, आपके व्होल ग्रेन्स एंड रॉ वेजिटेबल्स। हमने पढ़ा था कि डाइट्री फाइबर्स वैसे आपकी बॉडी को कोई पोषण ये प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन अपनी जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, एलिमेंट्री कैनाल होती है, उनको साफ रखने के लिए और अच्छे से मल बॉडी से बाहर निकल जाए, उसके लिए डाइट्री फाइबर बहुत आवश्यक होते हैं। तो इसमें कौन आते हैं, आपके जो पूरे अनाज होते हैं, होल ग्रेन्स और रॉ वेजिटेबल्स इसमें आते हैं, कच्ची सब्जियां या फल फ्रूट होते हैं आपके, वे सब इसमें आते हैं और ये आपको डाइट्री फाइबर्स प्रोवाइड करते हैं। देन डी मिल्क और सोयाबीन, इसके लिए क्वेश्चन था प्रोटीन, प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन आपके मिल्क में पाया जाता है, हालांकि मिल्क में और भी सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में, और उसके अलावा सोयाबीन या चना दाल जितने भी आपकी दालें होती हैं उनके अंदर प्रोटीन बड़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो ये बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आंसर है और आप इनको बहुत अच्छे से लिख सकते हैं आई थिंक। देन क्वेश्चन नंबर 4, टेक द स्टेटमेंट्स दैट आर करेक्ट, यहाँ पर जो स्टेटमेंट करेक्ट्स हैं उनको आपको टिक करना है और जो गलत है उनको क्रॉस करना है। बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी, तो केवल राइस को खाकर हम क्या कर सकते हैं, हमारी बॉडी की जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उसको पूरा कर सकते हैं। तो क्या ये सही है, क्या सिर्फ राइस खाने से काम चल जाएगा, तो ये तो बिल्कुल सही नहीं है, तो इसमें आप क्या कर देंगे, क्रॉस। ओके, देन बी डेफिशिएंसी डिजीजेज कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट। डेफिशिएंसी डिजीज क्या होती है, जो अभावजन्य रोग होते हैं जो किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी के कारण हमारी बॉडी में उत्पन्न हो जाते हैं, उन्हें हम डेफिशिएंसी डिजीजेज कहते हैं। तो ये क्या बैलेंस डाइट खाने से इनको रोका जा सकता है या इनको ठीक किया जा सकता है, तो ये बिल्कुल सही बात है। किसी न्यूट्रिएंट की आपकी बॉडी में कमी हो जाती है तो हम उसको बैलेंस डाइट लेकर दूर कर सकते हैं, तो ये आप यहाँ पर राइट का टिक मार्क कर देंगे। देन ऑप्शन सी, बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वेराइटी ऑफ फूड आइटम, आपकी जो फूड बैलेंस डाइट होती है उसके अंदर कई तरह के फूड आइटम होना चाहिए, तो ये भी आपके सही है। ठीक है, बैलेंस डाइट जो होती है उसके अंदर अलग अलग तरह के आइटम होंगे, तभी सभी जो पोषक तत्व होते हैं वे निर्धारित मात्रा में आपकी बॉडी को मिल पाएंगे। देन डी, मीट अलोन इज सफिशियंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी, मीट जो होता है मांस यदि आप खाते हैं तो वह आपको सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को प्रोवाइड कर देता है, तो ये भी आपके स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर आंसर भी लिखे हैं, क्रॉस और राइट मार्क के निशान लगाए हैं, तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं और आंसर लिख सकते हैं। ओके, देन 5, क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। इज कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, कौन सी बीमारी होती है जो विटामिन डी की कमी के कारण होती है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे रिकेट्स। रिकेट्स एक बीमारी है जिसमें बच्चों में ज़्यादा होती है, जो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, विटामिन डी नहीं मिलता है उनको, दूध वगैरह नहीं मिलते हैं उनमें, ये ज़्यादा होती है और उनकी हड्डियाँ पतली पतली हो जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। ठीक है, रिकेट्स डिजीज़ में, तो इसको हम विटामिन डी की कमी के कारण ये रोग होता है और विटामिन डी लेकर इसको दूर कर सकते हैं। देन बी, डेफिशिएंसी ऑफ कॉजेज और डिजीज़ नोन एज बेरीबेरी, किस न्यूट्रिएंट की कमी के कारण बेरी बेरी नाम की बीमारी होती है, तो विटामिन B1 की कमी से आपको बेरी बेरी नाम की बीमारी होती है। ठीक है, यह विटामिन की कमी से होने वाला रोग है बेरी बेरी, आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर C, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन C कॉजेज अ डिजीज नॉन एज,
विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ये आपके स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग। इसमें आपकी जो स्किन है वह ख़राब होने लगती है, उसमें पपड़ी आने लगती है स्किन पर, तो यह है स्कर्वी रोग जो विटामिन सी की कमी से होता है। और विटामिन सी कहाँ पाया जाता है? यह खट्टे फलों में और सब्जियों में पाया जाता है। जो भी खट्टी चीज़ें होती हैं जैसे इमली है आपकी, नींबू है, नारंगी है, संतरा है, इनमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देन डी, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इन आवर फूड। किसकी कमी से विटामिन, कौन से विटामिन की कमी से आपके नाइट ब्लाइंडनेस होती है, मतलब रात में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है या कम अंधेरा होता है। वैसे तो रात में दिखाई नहीं देता है बिल्कुल अंधेरा होने पर जैसे ही शाम होती है उन लोगों को जिनको नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी होती है, उनको थोड़ा अंधेरा होने पर शाम को दिखना बंद हो जाता है, तो हम उस बीमारी को कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। तो ये किसकी कमी के कारण होता है? यह आपके विटामिन ए की कमी के कारण उत्पन्न होती है बीमारी आपकी बॉडी के अंदर। तो हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि विटामिन ए अपनी आँखों के लिए अच्छा होता है, और यदि यह आप अपनी डाइट में इसको शामिल नहीं करेंगे, आप इसको नहीं लेंगे बॉडी के अंदर, तो आपको क्या हो जाएगा? नाइट ब्लाइंडनेस की समस्या हो जाएगी, आपको कम दिखाई देने लगेगा। ओके, तो इस तरह से आपके जो फाइव क्वेश्चन थे वे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं इस चैप्टर के। आप इनको अपनी नोटबुक में नोट करें, और यदि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके बताएं अपना क्वेश्चन क्या है। आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अपनी प्रेजेंट भी वहाँ पर ज़रूर लगाएं। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।